हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आपका होस्ट सपोर्ट हूं। सो गाइज, हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात, और जो टॉपिक है आप लोगों को थंबनेल देख के समझ में आ गया रहेगा। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है एग्जॉस्ट। यस, वी आर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी अवेटेड वीडियो, बिकॉज आज हम करने वाले हैं हीरो इंपैक्ट का जो एग्जॉस्ट, उसको मॉड करने वाले हैं, उसका एक परफॉर्मेंस वाइज मॉड करने वाले हैं। और यू कैन सी हियर, ये है स्टॉक एग्जॉस्ट। आप लोगों को पता होगा, पूरे फ्रेम में आ नहीं रहा है तो आपको ऐसे दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी हियर, राइट। सो हम इसको करने वाले हैं परफॉर्मेंस वाइज मॉड करेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे ताकि ये हम लोग को ऑफ रोडिंग वाला फील दे। बेसिकली रीजन बिहाइंड दिस यू नो वीडियो बनाने का, बिकॉज जो एग्जॉस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है दे आर वेरी वे एक्सपेंसिव। लाइक यू नो, अगर हम लोग एक एग्जॉस्ट नॉर्मली लेते हैं बस के लिए, तो कस्टम मेड जो है, जो रेस पर्पज़ के लिए, दैट कॉस्ट समथिंग अराउंड 5 to 8,000। एक परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है जो स्ट्रीट लीगल के हिसाब से हम लोग लेते हैं, तो दैट कॉस्ट समथिंग अराउंड 10 to 13,000, 15,000, 20,000। जैसे स्पेंड करो वैसा है, वैसा उसका चार्जेस होता है। सो रादर देन स्पेंडिंग सो मच मनी, थोड़ा सा एक R&D करते ना अपने, अपना ही तो है एग्जॉस्ट पड़ा है, क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। 99% तो खराब नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी कैलकुलेटेड। बेसिकली जो एग्जॉस्ट होता है, दिस इज द पार्ट विच इज मोस्ट कैलकुलेटेड पार्ट इन द मोटरसाइकिल। आप लोगों को पता नहीं होगा, हम लोग यूजली क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं हाँ इसमें छोटा होल है तो आवाज़ कम आएगा, उसमें हवा लेकिन ना थोड़ा सा पाइप डाल के थोड़ा सा एक्सपांड करते तो आवाज़ ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं होता। बेसिकली इट्स अ कम्प्लीटली परफॉर्मेंस डेमन, बहुत ही परफॉर्मेंस करता है। इसके पर काफ़ी सारी चीज़ें आपकी डिपेंड होती है, आपका माइलेज डिपेंड होता है, आपका टॉपर डिपेंड होता है, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस डिपेंड होता है एग्जॉस्ट पे। सो गाइस, डोंट इग्नोर दिस पर्टिकुलर पार्ट, समझ रहे हो मेरी बात को। सो इसमें हम लोग क्या चेंजेस करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये जो इसकी ये है ना, ये जो पैकेट्स वगैरह है ये सब निकाल देंगे। ये निकाल के इसको फिर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है उसका, देयर इज अ फॉर्मूला। अगर आप लोगों को एग्जॉस्ट बांधना है तो उसके एक अलग से फॉर्मूला होता है, वो अगर आप लोग लेकिन ना उसमें आपका CC वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और ऐसे एक इक्वेशन है, इक्वेशन करने के बाद आपका जो पर्टिकुलर जो लेकिन ना जो आउटपुट का जो रिजल्ट आता है, जो कैलकुलेशन का एक फिगर आता है, उसके हिसाब से आपको एग्जॉस्ट को मॉड करना होता है। ऐसा नहीं कि मैंने ले लिया एक पाइप, उसमें छोटा पाइप डाल दिया, उसके ऊपर ग्रास में भर दिया, एग्जॉस्ट बन गया, वैसा एग्जॉस्ट नहीं बनता है, आपका परफॉर्मेंस गिर जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप जस्ट इमेजिन कीजिए ना, एक अकापो एक डर्ट बाइक के लिए CRF 250 या 450 के लिए एग्जॉस्ट कंप्लीट किट आता, दैट कॉस्ट समथिंग अराउंड 35,000 to 40,000। जस्ट इमेजिन भाई, एग्जॉस्ट उसमें पीछे कैनिस्टर होता है, स्लिप ऑन होता है, आगे एक बेंड पाइप होता है जॉइंट में, दो पार्ट में होता है, दैट समथिंग 35,000 to 40,000। जस्ट इमेजिन, तो कुछ तो रहेगा ना। इट्स नॉट अबाउट ब्रांड, ब्रांड तो कितना महंगा करेगा, 10 से 15,000 ज़्यादा। तेरा सब नहीं, जिसमें जो मटेरियल यूज होता वो मैटर करता है, उसके अंदर का जो कैलकुलेशन है वो मैटर करता है, उसके अंदर फिर काम वगैरह शीट्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है करके, तब जाके वो 35 to 40,000 का कॉस्ट होता है। तो कंपनी भी तो पागल नहीं ना, इतना देर स्पेंडिंग सो मच में। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। अगर वो कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं दे दूँगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग खुद अपने हिसाब से बना सकते हैं इफ़ यू आर एक्सपर्ट और यू आर कीन टू डू राइट, वरना अपना वीडियो फॉलो करो और बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो चलते हैं, इसको पूरा क्लीन करते हैं, पहले लाइट करते हैं, फिर इसको कट करते हैं, बताता हूँ, वीडियो टर्न करते हैं और फिर देखते क्या है, ठीक है। सो गाइस, हैंड ग्राइंडर रेडी है, एग्जॉस्ट रेडी है। सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले ये यहाँ से रिबिट्स है, रिबिट्स जो है ना उसको निकाल देंगे, निकाल के उसको बाहर निकाल के फिर हमको ये जो ये है ना ये होल, इसको एक्सपांड करना है। इसको एक्सपांड करने के बाद ये सब क्लीन करके लेते हैं, ये है ना ये सब निकाल देंगे, ये सब ये भी निकाल देंगे और ये भी निकाल देंगे। ये निकालने के बाद मैंने मेजरमेंट किया, मैंने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन के हिसाब से इसका लेंथ को थोड़ा कम करेंगे और फिर सेंटर का जो होलो पाइप आएगा उसका मेजरमेंट लेंगे और उसके हिसाब से उसको होलो पाइप बना के उसको अंदर जाकर वेल्ड करेंगे। तो सब पहले सब कटिंग वटिंग करके ले लेते हैं, उसके बाद आगे का स्टेप बताओ कैसे करना है, बहुत संभाल के करना, सब जैसा बता रहा वैसे ही करना, तो आपको एकदम कितना एकदम प्रॉपर वाला रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। So start karte hain. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore
The signs we've had enough of the whole damn thing that we got going. So guys, finally इधर तो जो ऊपर ये है सब सारा क्लीन हो गया है, ये सारी चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर सारा निकाल दिया मैंने, ब्रैकेट्स वगैरह क्लैंप्स वगैरह सारे काट के, और यहाँ पे भी देख सकते हो हम लोग को यहाँ पे R&D करना है, ये पूरा पोर्शन कट करके निकलेगा, प्लस इसका हाइट कम हो जाएगा, और जो टॉप एंड है जो टॉप होगा जो आउटर होगा ना वो यही शेल यूज़ करने वाले हम लोग, इसको बेसिकली हम लोग यहाँ से ये जो आपको दिख रहा ना ये कॉलर से कट करके निकाल देंगे पूरा, इसको पूरा होलो करना है और उसको फिर से लगाना है, और इसको हम लोग फिट एंड फेस मतलब स्क्रू टाइप ही करने वाले हैं हम लोग, रिवेटिंग नहीं करके स्क्रू टाइप ही करेंगे, ताकि खोल के हम लोग इसको फ्यूचर में अगर सपोज ग्राफ्स वगैरह चेंज करना है सिलिकॉन का, या फिर लेकिन ना कुछ रिपेयर करना है, डेंट होगा डैमेज होगा तो निकाल के हम रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा यूज़ करना है। सो अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, लेंथ कैलकुलेट करते हैं, जो मेरे पास मेजरमेंट पड़ा हुआ है मेजरमेंट के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको कट करते हैं, फिर चलते हैं वेल्डर के पास, जो आगे का जो काम है वो वेल्डर ही करने वाला है, ठीक है। सो भैया एंगल स्विच करते हैं, आप देखो दिखा दो आपको सारा प्रोसेस। The back and forth has got me so messed up, don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're seeing? So guys, मेरा जो measurement है वो ready हो गया है, you can see here किस तरीके से मैंने marking की है, cardboard लेके मैंने पहले, सबसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहले आपको मेजर लेना है यहाँ से, ये पॉइंट से ये पॉइंट 5.5 इंच 5.5 इंच का गैप रखना है, ठीक है। ये सारे ऐसे मार्क करके देन पेंसिल एक कार्डबोर्ड ले लो, कार्डबोर्ड बिकॉज थोड़ा थिक कार्डबोर्ड है और सर्कमफेरेंस पे जो सर्कुलर है उस पर प्रॉपरली सेट हो जाएगा, ऐसे ऐसे रखना है मार्क करके, दो मार्क के बीच में रख के आपको लाइन मानी, ये इसके लिए बिकॉज ताकि आपका पूरा जो कटिंग करोगे प्रॉपरली एकदम शेप में कटो, प्रॉपरली शेप में कटो, ताकि वेल्डिंग करने के टाइम पे इजी हो जाए। फिर इसके बाद यहाँ से जो मेजरमेंट है 5.5 इंच का लिया है, ठीक है, इसके बाद का ये जो पोर्शन है ये वाला 5 इंच का है, ठीक है, लेट मी शो यू। फाइव पॉइंट फाइव इंच का यहाँ पे हुआ ये वाला, उसके बाद ये आया 10.5 इंच पे, 10.5 मतलब ये 5.5 देन ये 5 इंच, तो ऐसे करके टोटल हम लोग को जो एक्चुअल जो निकालना ना ये पोर्शन हमको निकालना है, ये वाला यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, ये पोर्शन बाहर निकाल के इसको दोनों को कनेक्ट करेंगे बीच में लगे, ये पोर्शन यहाँ पे आएगा बेसिकली, यहाँ से अपना यहाँ तक आएगा ऐसा, तो एग्जॉस्ट होगा इतना शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होने की वजह से जो उसका कैलकुलेशन है ना जो सेंटर पाइप का वो सब बताता हूँ आपको मैं, वो शॉर्ट करेंगे यहाँ तक, इसके बाद फिर हम लोग आगे के अंदर का काम करेंगे। तो अभी इसको कट करते हैं, पहले कट करके फिर इसको दो पीस करते हैं, फिर आपको आइएगा क्लोज करता हूँ। उससे पहले ना आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, स्ट्रेट लाइन बेसिकली आपको जब कटिंग करोगे ना ये वाला एक पोर्शन काटोगे तो जहाँ पे ये जैसा है ना उसको वैसे ही ज्वाइन करने के लिए ईजी होगा। सो इसको मैं एक लाइन मार लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये लाइक रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस है इन द सेंस जब ये पीस काटेंगे और ये पीस काटेंगे तो ये अलग हो जाएगा, तो हमको समझ में आएगा कि कैसा है लगाना है, तो ये रेफरेंस लाइन्स के थ्रू हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, मतलब अभी ये सपोज ये ऐसा है ना तो ये लाइन है ना ये पोर्शन कट गया तो ये लाइन को मैच करेंगे, समझे। तो हम लोग का ये रेफरेंस लाइन ही है, रेफरेंस लाइन रखना बहुत ज़रूरी है, वरना कट करने के बाद दोनों पीस अलग अलग हो जाएगी और फिर मतलब मिसमैच हो जाएगा, मैच नहीं होगा, तो इसके लिए रेफरेंस लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। तो फिर टर्न करते हैं, कटिंग करते हैं, फिर टेलर के वेल्डर के पास जाते हैं, गैस वेल्डिंग करके ले लेते हैं इसको। The back and forth has got me so messed up, don't ignore. So guys, finally exhaust cut gaya hai, you can see here. ये पोर्शन कैसा है देख सकते हो आप, राइट। यहाँ से कट किया, ये वाला पोर्शन निकल गया। ये जाली बेसिकली इसके अंदर होती है, नेट यहाँ पे अंदर की तरफ, और वो भी निकल गई है, हीटिंग के लिए होती है बेसिकली। यहाँ पे कैसी है सी, ये भी ये नेट थी, वो नेट निकाल दी मैंने। नेट निकाल के इसको फेंक देंगे, इसको यूज़ नहीं करने वाले। ये है एक पर्टिकुलर एरिया, इतना है यहाँ पे एग्जॉस्ट जैसा, इतना है शॉर्ट में। सो ये यहाँ से कट हो गया है। सो अभी हम लोग जाएंगे लाइक वेल्डर के पास, यहाँ से ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा कट करके निकालना है हमको। कट करके निकाल के यहाँ पे कुछ नया नया चीज़ करेंगे, यहाँ पे नया शीट मार के नया एक्सटेंशन करने वाले हैं। सो अभी चलते हैं वेल्डर के पास, देखते हैं वहाँ पे कैसा है। ये देखिए यहाँ से ऐसा ऐसा, यू कैन सी हियर। सो अभी अपना काम तो हो गया, टर्नर के पास जाते हैं। उससे पहले एक काम बचा है, वो कर लेते हैं, इसका जो एक होल है ना, ये बड़ा करना है। सो होल बड़ा करके लेते हैं और आया काम प्रोसेस में डाल करके ख़त्म करो, ठीक है। टर्न करते हैं इसको करके लेते हैं। The back and forth has got me so messed up, don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. एंड कैप था, उसको भी मैंने कट कर दिया, जिसके यहाँ पे बेसिकली ये ऐसा था, यहाँ पे लगा हुआ इस तरीके से, उसको निकाल दिया मैंने, ताकि हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपांशन करना है। सो छोटा होल नहीं चलेगा। सो यहाँ पे मैंने एक्चुअली ड्रिल किया, ड्रिल करके सर्कमफेरेंस पे किया। अभी इसको करने के बाद अब इसको मैं यहाँ पे इसको स्मूथ करूँगा। ये आप देख रहे हो बहुत रफ लग रहा है इसको, ये जो राउंड फाइल आती है ना, एक मिनट, ये राउंड फाइल से इसको करके स्मूथ करेंगे, ताकि यही एक ऑप्शन है इसको स्मूथ करना, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो थोड़ी सी मेहनत है इसमें, आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तब जाके आपको रिजल्ट आएगा और फिनिश होगा। क्योंकि ऐसे लगा सकता हूँ, लेकिन इतना मज़ा नहीं आएगा, मतलब वो एकदम रफ़ वर्क हो जाएगा, रफ़ वर्क नहीं करना मुझे बेसिकली। सो इसको मैं स्मूथ करता हूँ, करने के बाद वेल्डर के बजाते हैं और उसका दूसरा काम है वो करके लेते हैं, ठीक है। फाइनली फाइलिंग करके यू कैन सी हियर, एकदम स्मूथ हो गया है और परफेक्ट भी है। सो अभी ये फाइनल हो गया, वो हो गया, बचा वेल्डर का काम। चलते वेल्डर को फोन करके पूछता हूँ वो अवेलेबल रहेगा, अभी तो फिलहाल तो थोड़ा सा इशू है, बट ट्राई करने में क्या आ रहा है, ट्राई करने में क्या आता है, ट्राई करते हैं। अगर अवेलेबल रहेगा वेल्डर तो वो काम करवा के ले लेते हैं, उसको रेडी करते हैं और फटाफट आपको बताता हूँ। साउंड वाउंड पे चेक कर लेते हैं कैसा परफॉर्म करी, वो भी देख लेते हैं बाइक, ठीक है। The back and forth has got me so messed up, don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I?